नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। पेश है आपके लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करें मेन हेडलाइन के साथ। अब फिर से स्कूलों में बायोमेट्रिक से लगेगी हाजिरी। शिक्षा विभाग ने स्कूल मुखियाओं को दिए निर्देश। देहर खड्ड में डूबने से युवक की मौत। दोस्तों के साथ नहाते वक्त गहरे पानी में समाया। 3 सड़क हादसों में 4 लोगों की गई जान। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे शव। 3 दिन में खरीदा 62 मीट्रिक टन गेहूं। प्रदेश भर के 11 केंद्रों में हो रही खरीद। सीडी कांड भ्रष्टाचार में पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को मिली क्लीन चिट। 50% सूखाग्रस्त इलाकों में टैंकर से होगी पेयजल सप्लाई। जल शक्ति विभाग ने फील्ड से मांगी क्षेत्रों की रिपोर्ट। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 20 और 21 अप्रैल को बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। कोविड के 2 साल बाद प्रदेश के स्कूलों में फिर से बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूल प्रिंसिपल को बायोमेट्रिक मशीनें दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खराब मशीनों को ठीक करवाने के लिए भी कहा गया है। हिमाचल के हर सरकारी स्कूल में अब बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगेगी। कोविड के करीब 2 साल बाद शिक्षा विभाग दोबारा स्कूलों में ये व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके लिए सभी स्कूल प्रिंसिपल को बायोमेट्रिक मशीनें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें यदि कोई मशीन खराब भी पड़ी है तो इसे भी समय रहते ठीक करवाने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद स्कूलों में बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाई जाएगी। प्रदेश में अब कोविड की स्थिति सामान्य है। स्कूलों में भी सभी तरह की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में अब जरूरी है कि स्कूलों में बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाई जाएगी। सभी स्कूल इंचार्ज को भेजे गए आदेश में शिक्षकों को भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि देरी हुई तो शिक्षक के वेतन से पैसा कटेगा। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही गर्मी से बचने के लिए लोग, खासकर बच्चे और युवा, नदी नालों में मस्ती करते देखे जा रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसी मौज मस्ती लोगों की जान की दुश्मन बन जाती है। बीते कुछ दिनों से गहरे पानी में डूबने से कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। पेश है ये रिपोर्ट। उपमंडल ज्वाली के अधीन गौ सेंचुरी हार के समीप देहर खड्ड में डूबने से युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त अनमोल सिंह पुत्र पुरुषोत्तम सिंह निवासी हार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अनमोल सिंह अपने दोस्तों के साथ दोपहर के समय देहर खड्ड में नहाने चला गया और वहां पर डूब गया। उसके दोस्तों ने उसके घर में मामले की सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय युवकों ने उसे पानी से बाहर निकाला और उपचार के लिए उसे सिविल अस्पताल ज्वाली में लेके गए, लेकिन वहां तैनात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसी बीच जानकारी मिली है कि पड़ोसी राज्य पंजाब की गढ़शंकर तहसील में 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश भर में पेश आए सड़क हादसों में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इनमें कुछ हादसों का कारण बदहाल सड़कें व कुछ का कारण लापरवाही से ड्राइविंग करना माना जा रहा है। कारण जो भी रहा हो, पर बेशकीमती इंसानी जान इसका शिकार हो रही है। बीते कुछ घंटों में प्रदेश भर के विभिन्न स्थानों पर पेश आए सड़क हादसों में 4 लोगों की जान चली गई। इनमें पहला हादसा जिला चंबा के होली मार्ग पर गरोला के पास झिरडू मोड़ पर हुआ। यहां हुए हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। यहां शनिवार देर शाम को एक कार अनियंत्रित होकर रावी नदी में जा गिरी। माना जा रहा है कि कार में 3 लोग सवार थे। रविवार सुबह खड़ामुख बांध के समीप 3 शव बरामद कर लिए गए। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। दूसरा हादसा जिला सोलन में सुबाथू के साथ लगते गंभर पुल में पेश आया। यहां शनिवार देर रात तेल से भरा टैंकर सुबाथू से कुनिहार की ओर जा रहा था कि गंभर पुल पर अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरा, जिससे टैंकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभर पुल में लगातार हो रहे हादसों से हताश होकर रविवार को ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान SDM सोलन अजय यादव भी मौके पर पहुंचे और जल्द ही इस पुल का कार्य शुरू करने की बात कहते हुए ग्रामीणों को शांत करवाया। इसके बाद कुनिहार सोलन मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। प्रदेश
प्रदेश भर के किसानों को राहत देते हुए सरकार की ओर से 11 गेहूं खरीद केंद्र खोले गए हैं। इसके साथ ही किसानों को फसल का 1 करोड़ तक का भुगतान भी कर दिया गया है। किसानों की फसल का भुगतान उनके खाते में ऑनलाइन ही किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीद करने के लिए बनाए गए 11 केंद्रों में से 3 दिन में किसानों से 62 मीट्रिक टन गेहूं की फसल की खरीद की गई है। 15 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों से गेहूं की फसल खरीद का किसानों को अब तक 1 करोड़ का भुगतान जारी किया जा चुका है। प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 11 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश भर में बनाए गए गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए रविवार शाम तक 1,805 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। रविवार शाम तक किसानों को 359 टोकन नंबर जारी किए गए हैं। प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कांगड़ा में 3, ऊना में 2, बिलासपुर में 1, सोलन में 2 और सिरमौर जिला में 3 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसान खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान गेहूं खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप को कथित सीडी कांड व भ्रष्टाचार के मामले में सोलन की विशेष अदालत से क्लीन चिट मिल गई है। सीडी कांड व भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सुनवाई के दौरान विशेष अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद को बरी कर दिया गया है। पूर्व लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप पर 20 अप्रैल 2009 को स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से किसी कार्य को पूरा करवाने के लिए पैसे लेने का मामला सामने आया था, लेकिन विशेष अदालत द्वारा स्टिंग ऑपरेशन के दौरान बनाई गई सीडी को कट पेस्ट करार दिया गया और फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया है। अदालत से बरी होने के बाद यहां आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व लोकसभा सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि उनका राजनीतिक रास्ता रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2009 में षड्यंत्र रचा गया। उनके विरोधी नहीं चाहते थे कि 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्हें टिकट मिले, इसके लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस जो है मेरे अगेंस्ट जो है वो कोई मिसक्रिएंट्स द्वारा जो है वो बनाया गया था और उसके तहत जो है कोशिश की गई थी कि मेरी जो पॉलिटिकल जो मेरा राजनीतिक जीवन है उसके ऊपर ब्लॉट लगाया जाए। इस तरह का वो षड्यंत्र रचा गया थी और वो कोर्ट में केस अभी कल ही हमने जो है कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा गया कि मुझे जो है पूरी तरह से कहा गया कि इसमें इनका कोई दोष नहीं है। गर्मियों के चलते प्रदेश के जल शक्ति विभाग ने फील्ड में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों की रिपोर्ट मांगी है। 50% सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जाएगी। जल संकट से बचने के लिए जल शक्ति विभाग ने कमर कस ली है। प्रदेश में गर्मियों के दौरान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग टैंकरों से पानी की सप्लाई करेगा। विभाग ने इसके लिए सूखा ग्रस्त क्षेत्रों से रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने पेयजल किल्लत वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति को 4 श्रेणियों में बांट दिया है। इसमें कम किल्लत वाले क्षेत्रों को इंटरलिंक किया जाएगा ताकि पानी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई कम हो रही है उनमें बोर लगाने की भी योजना है। जल शक्ति विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए ये प्रारूप 60-70% तक कमी वाले क्षेत्रों के लिए तैयार किया है। वहीं जिन क्षेत्रों में पेयजल किल्लत 50% तक पहुंचेगी, वहां टैंकरों से पानी की सप्लाई विभाग करेगा। जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता संजीव कौल ने बताया कि गर्मियों में पेयजल किल्लत से निपटने के लिए योजनाबद्ध काम किया जा रहा है। प्रचंड गर्मी की मार झेल रहे लोगों को आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 और 21 अप्रैल को प्रदेश के कई स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से मौसम फिर करवट बदलेगा। 20 और 21 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज बारिश के साथ बिजली कड़कने का अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर
ओलावृष्टि होने के भी आसार हैं। वहीं सोमवार को प्रदेश में धूप खिलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि प्रदेश में बीते दिनों में कई क्षेत्रों में बारिश की बौछारें हुई हैं, लेकिन प्रदेश में चल रहा ड्राई स्पेल अभी भी बरकरार है। इससे किसानों व बागवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्राकृतिक स्रोतों में पानी की कमी के कारण वाटर सप्लाई की स्कीमें प्रभावित हैं। इससे जहां कई स्थानों पर पेयजल की किल्लत भी देखी जा रही है, तो वहीं पर सिंचाई के लिए पानी की कमी भी हो रही है। वहीं रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में धूप खिली रही। धूप खिलने से गर्मी का प्रकोप भी जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान ऊना जिला में दर्ज किया गया। यहां का अधिकतम तापमान फिर से 40 डिग्री को पार कर गया है। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य खबरों पर। तत्तापानी कोल बांध की लहरों से खेल रहे सैलानी, स्टिल वाटर एक्टिविटीज शुरू होने से उमड़ी भीड़। भरमौर में रावी नदी में लापता 3 कार सवारों के शव बरामद, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे। नालागढ़ बद्दी फोर लेन में बनेंगे डायवर्जन रोड, हाईवे लैंड हो रही क्लियर। पुलिस विभाग में नौकरी को 160 पूर्व सैनिकों का पैनल तैयार, निदेशालय ने पुलिस हेडक्वार्टर भेजे योग्य उम्मीदवारों के नॉमिनेशन लेटर। दर्शकों आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे अनुमति चाहूंगी, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।